investigative team. मैच का बकायदा आगाज हो चुका है। पेंसिल फुटबॉल क्लब आगाज से ही खिलाड़ियों का आपस में तालमेल तालमेल का ही ये खेल होता है। गलतियों की गुंजाइश इस तरह के बड़े मैचेस में नहीं होती। आगाज से खेल को तेज रखा है। दोनों तरफ से भरपूर कोशिश। बालपुर के खिलाड़ियों के पास एक खिलाड़ी को डाल दिया। अच्छा पास और ये खतरनाक एक चांस मिला था। हाफ चांस इसके पा सकते हैं। पंची के खिलाड़ी के पास अच्छा पास फिर पंची जो और ये खतरनाक बॉल में थोड़ा इधरों वेला तुम्हेंगी भैया आने के भैया उधर रोशनी पैंदी है जी भी यार ढड्डा दे रही है यार मैं इत्थे गलाउणा जे तुसीं उन्हां नूं जाके दस्स उन्हां नूं जाके दस्स दो नहीं होंदा काफी लंबी लिस्ट है इनाम आपकी। अब जैसे जैसे मेरे पास कैश पहुंचेगा मैं इनाम करूंगा।
जैसे जैसे मेरे पास पैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे मैं ऐलान करूंगा। भैया यार कैसा बंदा जा पाएगा? यार यार पंची के खिलाड़ी आगे ले गए फिर डबल जोन में और बाल ना हाथ रखेंगे इनो बाल ना हाथ रखेंगे मिट्टी लगा देंगे एक मौका फिर पंची के खिलाड़ी के पास आवाज आ रही होगी ये बोल की अच्छा कंट्रोल चीज के खिलाड़ियों का आगे बढ़े दो खिलाड़ियों को क्रॉस किया लेकिन अच्छा पास नहीं है मलिक बाबर के पास बाबर ने कहा निकल पंची की तरफ से मुदस्सर मुदस्सर से बाबर कान में छीद है इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं कोहली के खिलाड़ी के पास एक अच्छा मुकाबला लोगों की कसी इकदार इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए ना कोई दाब दे रहा चुप करके बैठे हैं खामोशी है ना एक मतलब फिर पंची के खिलाड़ी के पास एक दो तीन चार खिलाड़ियों को डाल देगा बार बार पर कोटी के खिलाड़ी के पास बाबर ने कोशिश की रायगा की कोशिश गोर के लिए दबाव बढ़ता हुआ तारक बट साहेब साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाए हैं उनको ग्राउंड अमद पर खुश आमदीद उनकी तरफ से पेंसी के लिए ये मैच जीतने पर टी पार्टी का एहतमाम किया जाएगा फुटबॉल से उनकी मोहब्बत की वो
इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका से यहाँ तशरीफ लाए हैं। इस मैच की गर्माहट डाबाग्लांग के स्टेडियम में महसूस की जा सकती है। बड़े ही जबरदस्त फॉर्म में दोनों टीमें और अभी तक बेहतरीन मैच शायकी ने फुटबॉल को देखने को मिला है। एक बैलेंस मुकाबला जिसमें दोनों टीमों ने अटैक भी किया है, डिफेंड भी किया है। अच्छा इधर भी ठीक ही। सिर्फ तो सिर्फ जब बॉल को खींचते हैं तो पता चलता है कि खिलाड़ी बॉल तक पहुंचता कैसे है। फिटनेस का मायार ऐसा होना चाहिए क्योंकि फुटबॉल की सबसे पहली दिमाग फिटनेस और इस खिलाड़ी में पीट पीट के भरी हुई है इफ्तिखार और रतन की फैंसी का एक और बहुत बड़ा नाम। चोर कोटी के बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सर करें ये मुकाबला अभी तक जीरो जीरो की बराबरी पर। शायकी ने फुटबॉल इस मैच से लुत्फ अंदोज होते हुए इस मैच में भी का कोई खासा मौका दोनों टीमों ने दिया नहीं गोल स्कोर करने का क्योंकि गलतियां बेहद कम देखने को मिली है इस मैच में जिसकी वजह से ऐसे कांटेदार मुकाबले गोल में देखने को मिलते हैं। यह एक अच्छी कोशिश थी लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए पेंसी के खिलाड़ी और बेहतरीन कीपिंग स्किल चौहान को अपने के गोल कीपर फ्रंट से लीड करते हैं। गुब्बारे कभी दूसरे लगे हैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाए गुब्बारे कभी दूसरे साहब इतने कमजोर है वो और ताली दे रहे खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ता है। बगैर किसी गोल के अभी तक मुकाबला बराबर। शायकी ने फुटबॉल की तरफ से एक गोल की डिमांड किसी तरह दी है। शान भट्ट अगर आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे कोहली के खिलाड़ी और ये खतरनाक जोन में गिरना तो कोई इन से सीखे कितने खूबसूरत अंदाज से गिरे हैं कि लगता नहीं गिरे हैं। राणा साहब ऐसा गिरना तो फुटबॉल की छाप हुई है हमेशा से ऐसे पैंतरे आजमाते हैं और एक और बड़ी जबरदस्त बहुत अच्छा दिखा इस कीपर की जानब से। चोर कोटली के कीपर ने अभी तक एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है
वन मैन आर्मी। चौहान कोर्ट में क्या कहना इस टीम को, जैसे मुकाबले की टोकी थी उससे बढ़कर मुकाबला कर रही है दोनों टीमें। एक अच्छा चांस था लेकिन डायरेक्शन नहीं दे पाए, बॉल को थोड़ा सा जल्दी कर गए। सबर तहमल पेंसी का मैच हो और हल्ला गुल्ला ना हो, इतनी खामोशी क्यों, इतनी खामोशी अच्छी नहीं है। हल्ला गुल्ला जरूर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। चूर कोठे के खिलाड़ी के पास है अब इफ्तिखार पिंकी, मुदस्सर बाग के पास, मुदस्सर बाग ने एक खिलाड़ी को डांट देकर आगे निकले, आगे निकले लेकिन अच्छा पास एंड अगेन अच्छा पास आ लो, फिर खतरनाक जोन में पहुंच चुके थे। जब तक आप ताज नहीं देंगे आप फिर पूरी को थे तालियां नहीं बजाएंगे, कोई नहीं होगा। अब देखना किसी ना किसी तरह गोल जरूर होगा दो मिनट के अंदर अंदर, और ये कहा जैसे से और ये जोश बढ़ता हुआ, जज्बा बढ़ता हुआ, तेजी आती हुई, सनसनी आती हुई मैच के अंदर। बॉल चूकोटनी के खिलाड़ी के पास, अच्छा पास, बैक पास चूकोटनी से अब है तंजी खिलाड़ी के पास, हजारों की तादाद में फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले इस वक्त ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए दाद देते हुए, अच्छा मुकाबला दोनों तरफ से, ताबड़तोड़ हमले पेंसी के तीन हमले अभी तक रहेगा। मुदस्सर बाग के पास 10 नंबर की विकेट में मजबूत आगे बढ़ो, अच्छा पास, मुदस्सर बाग मलक बाबर थोपा नाम आत्माद का मलिक इरफान और बाबर ने आउट ऑफ, कीपर मोहम्मद इमरान, मलिक इरफान, इफ्तिखार पिंकी, जुहैब असल चट, मजम्मल, ठीपा को अजवान, एक मतबा बाल फिर कोटी के खिलाड़ी के पास और ये छोन
कीपा के पास, और ये एक खतरनाक छाया कर बैठे। कोशिश नहीं हुई, पूरी कोशिश नहीं कर सके। अगर कोशिश करते तो मजीद अच्छा चांस मिल सकता था। एक मतलब है पेंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल कोहली के खिलाड़ी से, और ये फॉल कार्ड दिखाया राणा खान मजूद ने कोहली के खिलाड़ी को। मलिक इरफान एक मत मत है कोहली के खिलाड़ी के पास, कोहली के खिलाड़ी से बाल छीना, इफ्तिखार पिंकी, इफ्तिखार पिंकी से मुकसर बाग, मुकसर बाग से मलिक बाबर। ये जो डेंजर जोन है वहां जाकर पता नहीं अच्छी दिफाई पोजीशन बना रखी है कोहली ने। कीपर बड़ा अच्छा अब तक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा। एक अच्छा मुकाबला, सनसनीखेज मुकाबला, पहले लम्हा से आखिरी लम्हात का गुमान होता है। गलत पास दिया कोहली के खिलाड़ी के पास, फिर कोहली के खिलाड़ी हट लगाया, और पिंकी से जोएब, जोएब से मुजम्मल से, और ये अच्छा ईमानदारी की गल है। ओ कंध आया ने फिर नहीं दाप थी असद जट की मारनक से ये गोल स्कोर किया किसी फ्रोटीपा ने। मुदसर बख्श बॉल को पास किया मुसबर के पास, और पहले कभी बचपन में जब इनको ठीपा जाते थे ये बुरा गुस्सा करते थे, अब बुरा बन गया ठीपा, अब हर कोई ठीपा बनना चाहता है। मतलब अंदाजा करें ना, हीरो है, अब एक हीरो का नाम है ठीपा। ये अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ गोल किया कैपलर, काफी भारी है पेंसी का, लेकिन कोहली की तरफ से वो क्या कहते हैं पलटना, पलट कर झपटना, तो कोशिश जारी है कोहली की तरफ से। मतलब सिर्फ बात अपनी भरपूर सलाहियत और तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए भरपूर अदाकारी के साथ पिंकी से, और ये बॉल फिर खतरनाक जोन में, ये जो सेंटर दीवार है पेंसी की, मुदसर भट्ट और मलिक बाबर, तो यहां से जो बॉल आगे बार बार दिया जा रहा है, यहीं से खेल जबरदस्त बन जाता है। यही मुश्किल पॉइंट होता है जहां से आपने बॉल को आगे निकालना होता है, और ये शायद मलिक बाबर है, ये आवाज बहुत तक आई थी, अल्लाह खैर करे, शायद बूट लगा उनको। मतलब
उस वक्त कहा था दो मिनट के अंदर गोल हो जाएगा, आप टाप दे दे। टीम की परफॉर्मेंस के साथ तमाशाइयों का बड़ा रोल होता है, मोहब्बत करने वाले जब टाप देते हैं। एक मतलब फिर खतरनाक जोन के अंदर बाल चला गया था, वापस जोर के पास, जोर से मुदस्सर, मुदस्सर में एक खिलाड़ी को, दो को, तीन को, वापस जट के पास, जट ने मलकर खान के पास, मलकर खान उनचाई फिट, और ये बड़ा खतरनाक जोर कीपर की चलाकी काम आ गई। कोठी के किनारे बाल तक पहुंच चुके थे, लेन में छोटी छोटी चलाकियां आती है जो आपको शिकस्त से बचाती है। उसी चलाकियों की बदौलत आपने गोल करने भी गुना और गोल करना है। यही चलाकियां होती है फुटबॉलर की, कोशिश होती है, ऐसे गिरते हैं कि कोठिया किला और मराजपुरा दोनों तहसील सोंगलाल की टीमें इस मैच के फौरन बाद मध्य मुकाबले होंगे। दोनों से इतना से पीटअप हो गए, वार्म अप करें। पहले हाफ का खेल खत्म, कैलसी फुटबॉल क्लब का बैठला मुकाबला। मैच के आखिरी लम्हात 3-0 से यह मुकाबला भी तक कैलसी के नाम बूटा 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 क्या खेल लिया था इन्हों। अगर इसको कैरी ऑन करते हैं तो जीत होगी। कैलसी फुटबॉल क्लब का आज पहला मैच और अपने पहले ही मैच में जबरदस्त मुजम्मिल रहमानी वाह द शॉट लेफ्ट स्ट्राइकर पेंसी फुटबॉल क्लब के। ये पेंसी के विवाद खिलाड़ी हैं जिनके दोनों ही पैर तो एक जैसे ही काम करते हैं जब भी फील्ड में होते हैं। मुजम्मिल रहमानी 4-0 चार गोल के बाद अब हमको पता चला है कि हाँ चार गोल हुए हैं और यकीनन ऐसी ताजनी बनती है शायकीन की फुटबॉल को, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस लाजवाब है। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला ये देखने को मिला।
फैंस कीपर की जानिब से पेंसिल फुटबॉल क्लब के कीपर पेंसिल का आज तो हर खिलाड़ी वन मैन आर्मी के तौर पर क्या कहने इस टीम के पांचवा गोल इस टूर्नामेंट का और ये पेंसी के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। शौकीन को शाइकिन को इससे बड़ा मैच कहां देखने को मिलेगा। बड़ा ही जबरदस्त और हाई वोल्टेज मैच पेंसी का मुकाबला चुनूर गोखली इफ्तिखार तो की मैच के आखिरी मिनट पांच जीरो से ये मुकाबला अभी पेंसी के पलड़े में ने आज जो मुनफरद गेम आज ग्राउंड में पेश की है अपने अपनी टीम को चलाने में एक सीनियर प्लेयर से ऐसी ही उम्मीद व्यवस्था होती है खिलाड़ियों की। और इसके साथ मैच का अख्तितम एक बहुत ही जबरदस्त मैच पेंसी ने अपने नाम किया। 5-0 से ये मुकाबला अपने नाम किया। एक जबरदस्त मैच अपने अख्ताम को पहुंचा। शाइकिन फुटबॉल से ये गुजारिश है कि अपनी टीम को दिल खोल के दाद दे और यकीनन ये टीम दाद के मुस्तहिक है। एक और एजाज पेंसी के नाम इस टूर्नामेंट का 5-0 से ये मुकाबला अपने नाम किया और ये इससे बड़ा एजाज हो नहीं सकता। पेंसी की टीम